नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कुर्ते की कटिंग करेंगे। डिज़ाइनर कुर्ता है ये, इसकी कटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो वेलकम यूटीएस में आपका स्वागत है। इसका नाप इस प्रकार है, लंबाई कुर्ते की 42 इंच, शोल्डर 18, आस्तीन 25, गला 14.5। कुर्ते की जो मोहरी है, आस्तीन की 10 इंच, 32 सीना, 30 पेट और 36 हिप। इसको मीडियम फिटिंग में रखेंगे, कटिंग करेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। इस तरह कपड़े को सिंगल बिछा लें, उल्टा ऊपर रखें, नीचे स्ट्रेट लाइन खींच लें। अब हमारी कुर्ते की लंबाई 42 इंच है। 42 इंच में 7 इंच प्लस करके 43 इंच पर निशान लगा लें। सीना 32 है, 32 का चौथाई 8 इंच, पर निशान लगाएं। 16.5 इंच पर लगाएं पेट के लिए और 25 इंच पर हिप के लिए। इस तरह ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच लें। शोल्डर 18 इंच है, 2 इंच डाउन करें। ये 2 इंच डाउन, एक निशान और लगा लें। आर्म होल 8 इंच, 16.5 वाला निशान और ये 25 इंच पर सबसे ऊपर वाले मार्क से। गला 2.5 इंच, पहले ये 1.5 इंच का एक निशान लगा लें। फैशन मुड़ेगी, लाइन को सीधा कर लें। इस तरह से शोल्डर का 18 इंच, 18 का 9.5 पर निशान लगा लें। गले का 2.5, सीना हमारा 32 इंच है, 8 इंच पर निशान लगाएं प्लस 1.5 इंच लूजिंग दें। कौन इंच एक अंदर तरफ निशान लगाएं इस तरह। पेट हमारा 30 इंच है, 30 का चौथाई 7.5, इसमें भी 1.5 इंच का लूजिंग दें। हिप 36 है, 36 का चौथाई 9, इसमें भी 1.5 इंच की लूजिंग दें। अब यहाँ से यहाँ पर 0.5 इंच बढ़ाकर निशान लगा दें घेर पर। ये यहाँ से इस तरह से 0.5 इंच बढ़ाकर घेर का निशान लगा लें। अब हिप से घेर तक नीचे इस तरह सीधा मार्क लगा लें। इस तरह से शेप दें,
शोल्डर गिरा लें। इस तरह आर्म होल का राउंड दें। ये हमारा एक पल्ला कट रहा है अभी कुर्ते का फ्रंट। माफ करें चाक, आपको चाक का मार्क अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। इस चीज का अगले वीडियो में विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह हमारा एक फ्रंट कट चुका है। इस कपड़े को इस तरह से पलटा लें। उस पल्ले को जैसा काटा था वैसे ही बिछा लें इसको ऊपर। इस तरह से ये गैप देख लें बराबर। ये हमने ये मार्क जो लगा है फैसन पट्टी का चौक लगी है उससे 10.5 इंच के करीब ज़्यादा कपड़ा होना चाहिए। इस तरह डाउन होगा। यहाँ से 4.5 इंच इसकी चढ़ाएंगे हम 4.5 इंच ये निशान। गले के मार्क से 4.5 इंच यहाँ भी 4.5 इंच का निशान लगाना। ये इस तरह से मुड़ेगा। 4.5 है तो उसके बाद 1 इंच ज़्यादा 5.5 के करीब रहना चाहिए। इसको भी सीधा काट लें। इस पल्ले को भी इस तरह काट लें। ये कुटका लगा लें। इस तरह साइड से बिल्कुल उसी कपड़े के बराबर कटिंग कर लें इसकी भी। ये हमारे दोनों पल्ले कट चुके हैं फ्रंट के। ये हिप पर निशान लगा लें, साइड पॉकेट नहीं लगेंगे इसमें। हिप्स पर यहाँ से घेर मुड़ेगा।
ये इस तरह रहेगा। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इस चढ़त के लिए रहेगा, ये 4.5 इंच चढ़ेगा एक दूसरे पल्ले पे। इसको इस तरह काट लें, प्रेस करने के बाद ही काट लेंगे। हम बैक काटेंगे, बैक जो हमने फैशन पट्टी का निशान लगाया है वहां से कटेगी। उसको नाप लें, उस हिसाब से इस कपड़े को फोल्ड कर लें। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह बिछा लें। बैक को शोल्डर से 1.5 इंच ऊपर बढ़ाएं। ये मेरे पास ये स्केल है, इसमें सभी निशान लगे हुए हैं, परफेक्ट काम होता है। ये शोल्डर का निशान लगा तैयार 9.5 इंच पर, 18 है, 0.5 इंच दबाव में आएगा। 9.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लें। और जो कंधी फ्रंट की है वो कंधी का निशान लगा लें, गला अपने आप आ जाएगा। इस तरह हल्का शेप देकर बैक गले में हल्का राउंड देकर करीबन 0.5 इंच गला काट लें पिछला। तरह बैक की कटिंग कर लें। ये हमारी बैक की कटिंग हो चुकी है। आज 3 काटेंगे। इस तरह कपड़े को डबल कर लें। इसमें एक फोल्ड और करें हम इस तरह। यहाँ एक सीधा निशान लगा लें।
चार इंच पर इस तरह एक निशान और लगाएं। हमारी आस्तीन की टोटल लंबाई है 25.6 इंच प्लस 1/2 इंच 25.25 पर एक निशान लगाएं और 1.5 इंच होल्ड के लिए। हमारी मोहरी है 10 इंच 5.5 पर निशान लगाएं। अब जिस तरह हम आर्म होल का निशान लगाते हैं, जो फ्रंट हमने काटा था 8 इंच प्लस 1 इंच करेंगे। ये हमारा 8 इंच कटा था, इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे 1/9। उस 1/9 को इस तरह तिरछा यहाँ से यहाँ पर निशान लगा लें। पहले यहाँ 1.5 इंच का निशान लगा लें, 1.5 इंच के बाद गुलाई देना चालू करें। इस तरह शेप दें। ये शेप हमारे फ्रंट का है। दूसरा थोड़ा 1/2 इंच 1/4 इंच का गैप रखें। तीन की कटिंग कर लें। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए।